हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज का प्रश्न है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता जा सकता है। तो दोस्तों आज का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके जीवन में बहुत ही बड़ा इसका उपयोग है। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, अपनी बुद्धि और विवेक से जो व्यक्ति अपने दिमाग और बुद्धि और विवेक से जो व्यक्ति समाज को किसी नए तथ्य से अवगत कराता है, यानी नई खोज से अवगत कराता है, वह व्यक्ति ही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। दोस्तों कौन सा व्यक्ति? जो अपनी खोजों द्वारा मनुष्य को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करवाता है, उसे ही अनुसंधान कराता है या उपलब्धि हासिल कराता है, तो उसे ही संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति नए नए आविष्कार करते हैं, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, यानी न्यूटन था, उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, वह वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति था। यानी जो व्यक्ति खोज करता है उसे ही संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हम और भी वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।